हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ न्यू अपडेट के बाद अपने गेम के अंदर न्यू हाउस को कैसे ले एंड न्यू फोन को कैसे ले अपने गेम के अंदर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्नू गेमर में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हाँ तो दोस्तों, आपकी बेहद डिमांड थी, काफी दिनों से आप कमेंट कर रहे थे न्यू हाउस का चीट कोड, हाउस को कैसे चेंज करें अपने गेम के अंदर, न्यू हाउस को कैसे ले। तो दोस्तों, आप सभी की डिमांड पूरी करने के लिए ये वीडियो लेकर आ चुका हूं और इस वीडियो में बताने वाला हूं कि न्यू हाउस को कैसे ले अपने गेम के अंदर एंड अपने गेम के अंदर न्यू फोन को कैसे ले ये भी बताने वाला हूं आप सभी को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दो प्यारा सा लाइक और अपने यूट्यूब चैनल सिन्नू गेमर को कर लो सब्सक्राइब ऐसे इंडियन बैक ड्रॉइंग सीडी गेम के अपडेट पाने के लिए। हाँ तो दोस्तों, अभी आप सभी को अपने गेम के अंदर ये वाला हाउस देखने को मिलता होगा एंड आप सभी चाहते हैं हाउस चेंज करना। तो दोस्तों, हाउस को कैसे चेंज करेंगे ये प्रक्रिया बताने से पहले आप सभी को इस हाउस का टूर करा देता हूँ दोस्तों कि इस हाउस के अंदर हमको क्या क्या नया देखने को मिलेगा। चलो चलते हैं, हाउस के अंदर एंटर होते हैं और आप सभी को बताते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे दोस्तों हम अपने हाउस के अंदर एंटर होंगे तो हमको यहाँ पे एक रूम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप सभी को ये रूम का टूर कराता हूँ। हमको यहाँ पे एक बेडरूम देखने को मिलेगा, एसी भी लग रही है, एक पेंटिंग भी लगी हुई है। उसके बाद में हम यहाँ पे आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे हमको एक कंप्यूटर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी ये कंप्यूटर को हम चला नहीं सकते, मतलब इसको ऑन नहीं कर सकते। दोस्तों, रूम तो काफी बड़ा है एंड जैसे हम आगे जाएंगे तो हमको यहाँ पे एक और पेंटिंग देखने को मिलेगी जो कि माउंट आबू की, एंड हमको यहाँ पे टीवी भी देखने को मिलेगी। ये मेरे को काफी अच्छा लगा दोस्तों, यहाँ से हम सिटी का व्यू भी देख सकते हैं जो कि काफी ब्यूटीफुल लगता है। दोस्तों, मैंने ये रूम का तो आप सभी को टूर करा दिया, इसके बाद में हम चलते हैं सेकंड फ्लोर में। अब सेकंड फ्लोर में जाने के लिए हमको ये सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, जैसे ये सीढ़ी हम चढ़ लेंगे कम्प्लीटली फिर हम सेकंड फ्लोर पे आ जाएंगे। और दोस्तों, जैसे ही हम सेकंड फ्लोर पे आएंगे तो हमको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से व्यू देखने को मिलेगा। आप चलो हम थोड़ा अंदर चलते हैं। अंदर जैसे चलेंगे हमको यहाँ पे भाई सोफे देखने को मिले हैं, यहाँ पे एक फैन भी चल रहा है। इन सोफे पे हम अपने मेहमानों को भी बैठा सकते हैं, जो भी कोई मेहमान आए घर उनको बैठा लेना यार। उसके बाद में ये देखो, यहाँ से एक बड़ा कांच लग रहा है जहाँ से सिटी का व्यू देख सकते हैं, काफी ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से भी सिटी का व्यू। और अभी चलते हैं सेकंड फ्लोर की एक बालकनी है, उसको भी दिखाते हैं आप सभी को। तो दोस्तों, ये अपने सेकंड फ्लोर की बालकनी जो कि काफी अच्छी लग रही है मेरे को तो, और यहाँ से सिटी का भी कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। वैसे बालकनी काफी अच्छी देखने को मिलेगी आप सभी को, जैसे आप गेम प्ले करोगे तो भाई आपको एक रियलिस्टिक तरह फील होगा इस बालकनी में आओगे। तो इसके बाद में दोस्तों, आप चलते हैं अपन भाई लास्ट फ्लोर पे, इसके बाद में भाई कोई फ्लोर देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों, ये सीढ़ियां काफी डेंजर है, इनको चढ़ने में अपने करेक्टर को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आप सभी देख पा रहे हैं। ये लो फाइनली दोस्तों, मैं इन सभी सीढ़ियों को चढ़कर अपने होम के ऑन टॉप पे आ चुका हूँ, मतलब मैं छत पर आ चुका हूँ। इसके बाद में दोस्तों, हमको और कोई फ्लोर देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों, अपने गेम के न्यू हाउस की छत कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी जो कि काफी डिफरेंट तरीके से देखने को मिलेगी। मेरे को तो भाई ये छत की डिजाइन कुछ समझ में नहीं आ रही, आप सभी को कैसी लग रही है छत की डिजाइन। और दोस्तों, अब आ चुका हूँ मैं अपने हाउस की लास्ट छत पे, इसके बाद में हमको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ से सिटी का व्यू कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब आप सभी को बताने वाला हूँ कि अपने गेम के अंदर ये न्यू हाउस को कैसे ले। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को गूगल पे जाना है, यहाँ पे टाइप करना है अप टू डाउन। अप टू डाउन जैसे टाइप कर देंगे फिर आपको सर्च कर लेना है। सर्च करेंगे जैसे आपको यहाँ पे एक लिंक देखने को मिलेगा फर्स्ट पे, तो आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप सभी को कुछ प्ले स्टोर की तरह हमको यहाँ पे ऐप देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे प्ले स्टोर में हमको ऐप देखने को मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमको ऐप देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा, सर्च पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप सभी को यहाँ पे टाइप करना है इंडियन बाइक ड्रॉइंग 3D, और ये टाइप करने के बाद में दोस्तों हमको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे हमको नीचे की ओर स्किप करना है। ये लो दोस्तों, हमको अपना गेम देखने को मिल चुका है। फिर यहाँ पे हमको क्लिक करना है ये। इसके बाद में क्लिक करने के बाद में जैसे ही हम नीचे जाएंगे वापस हमको उसी प्रकार से स्किप करना होगा। स्किप करने के बाद में हमको देखो यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक तो हमको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल रहा है, एक ओल्डर वर्जन देखने को मिल रहा है। तो आपको ओल्डर वर्जन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में नीचे जाना है, और जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमको यहाँ पे नंबर देखने को मिलेंगे 23, 21, 20, वैसे कुछ इस प्रकार से नंबर देखने को मिलेंगे। तो हमको 13 नंबर देखने को मिलेगा, उस पर हमको क्लिक करना है। उसके क्लिक करने के बाद में ठीक उसी प्रकार से हमको वापिस स्किप करना है नीचे की ओर। तो नीचे की ओर स्किप करेंगे तो हमको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हम डाउनलोड कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे फ्री डाउनलोड देखने को मिलेगा। तो ये डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों, आप सभी को जो आपने अपने फोन के अंदर पहले से इंडियन बाइक ड्रॉइंग 3D गेम डाउनलोड कर रखा है उसको डिलीट करना होगा। उसके बाद में फाइल मैनेजर पे इसकी डाउनलोड वाली फाइल देखने को मिल जाएगी, उस डाउनलोड फाइल को आप इंस्टॉल कर लेना। और फिर आप अपने गेम को प्ले करेंगे तो आप सभी को अपने गेम के अंदर ये न्यू हाउस देखने को मिल जाएगा। हाँ तो दोस्तों, ये अपडेट वीडियो आप सभी को कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और अपने यूट्यूब चैनल सिन्नू गेमर को भी कर लेना सब्सक्राइब। मैं आप सभी के लिए ऐसे अपडेट वीडियो लाता रहता हूँ। अब मिलता हूँ आप सभी से जल्दी नेक्स्ट अपडेट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।